आओ बच्चों, अब हम बार चार्ट के बारे में जानते हैं। यह चित्र जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, यह बार चार्ट का है। क्या बच्चों आप बता सकते हो कि इस बार चार्ट में क्या जानकारी दी गई है? इस बार चार्ट में शहरों के नाम लिखे हैं। यह दिल्ली है, अगला शहर शिमला है, उससे अगला शहर बेंगलोर और यह जैसलमेर है। और इस तरफ बच्चों क्या दिया है? यह तापमान दिया है 10 डिग्री, फिर एक निशान छोड़कर 20 डिग्री, फिर कुछ छोटे निशान दिए हैं, फिर 30 डिग्री, फिर कुछ छोटे निशान दिए हैं 40 डिग्री। तो यह बार चार्ट क्या बता रहा है? यह बार चार्ट 1 जून को इन चारों शहरों का तापमान बता रहा है। अब आप इस तापमान को किस प्रकार देख सकते हो? यहाँ पर यह जो बार या दंड बने हुए हैं, इनकी ऊंचाई बताती है कि यह तापमान कितना है। तो यह तापमान देखो आप, इसकी ऊंचाई यहाँ तक है, 1, 2, 3, ये 30 है, उसके बाद 3, तो यह 33 डिग्री इसके ऊपर लिखा गया है। तो दिल्ली का तापमान 1 जून को 33 डिग्री है। इसी प्रकार शिमला का तापमान 22 डिग्री है। इसको हम जान सकते हैं इस दंड या इस बार की ऊंचाई कितनी है, वह 22 डिग्री के बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर बेंगलोर शहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और जैसलमेर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्शाया गया है। तो बच्चों अब तो आप जान गए हैं कि यह जो बार चार्ट यहाँ पर दर्शाए गए हैं, यह क्या बताते हैं? यह शहरों के तापमान को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार यह जो दूसरा बार चार्ट है, इस बार चार्ट में इन्हीं चार शहरों दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर का तापमान 1 दिसंबर को दिखाया गया है। हमारे भारत में 1 दिसंबर को सर्दी पड़ती है और 1 जून को गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर तापमान अधिक है तो यहाँ तापमान कम है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दिल्ली का तापमान 1 दिसंबर को 23 डिग्री सेल्सियस के बराबर है और शिमला का तापमान तो बहुत कम है, यह तो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसी प्रकार बेंगलोर का जो तापमान है वह 1 दिसंबर को 24 डिग्री सेल्सियस है और जैसलमेर का तापमान 1 दिसंबर को 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब बच्चों इस बार चार्ट को आप समझ गए होंगे कि इस बार चार्ट में हमें शहरों का तापमान किस प्रकार पता चल रहा है। आओ अब हम इन बार चार्टों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आपने प्रत्येक प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और चार्ट में दी गई जानकारी को देखकर उसका उत्तर देना है। क्या आप सभी बच्चे प्रश्न को पढ़ने और उत्तर देने के लिए तैयार हैं? तो बच्चों जल्दी से अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आओ अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। बार चार्ट से पता करो 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो बच्चों हमें बताना है कि सबसे गर्म शहर 1 जून को कौन सा है। तो हम कौन सा बार चार्ट देखेंगे, दिसंबर वाला या जून वाला? हाँ, वेरी गुड, हम 1 जून वाला बार चार्ट देखेंगे। अब हमें बताना है कि सबसे गर्म शहर कौन सा है। बच्चों सबसे गर्म शहर कौन सा होगा, जिसका तापमान अधिक होगा या जिसका तापमान कम होगा? हाँ, अगर तापमान अधिक होगा तभी तो गर्मी बढ़ेगी ना, तो इसलिए जिस शहर का तापमान अधिक है वह 1 जून को सबसे अधिक गर्म शहर है। यहाँ पर दिल्ली का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, फिर बेंगलोर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और जब हम जैसलमेर का तापमान देखते हैं, अरे यह तो 38 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो बच्चों अब तो आप जान गए हो ना
कि कौन से शहर का तापमान 1 जून को सबसे अधिक है? वह है जैसलमेर का। और कितना तापमान है? वह तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हम जैसलमेर का नाम लिख देंगे और उसके सामने तापमान लिख देंगे। और तापमान कितना है? तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। तो यह तो आपने प्रश्न हल कर लिया। तो आओ देखते हैं कि अगले प्रश्न का उत्तर जल्दी से कौन देगा। सभी बच्चे तैयार हो जाइए। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न। अब आपने इस प्रश्न में बताना है कि 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने यह सोचना है कि हम 1 जून और 1 दिसंबर वाले बार चार्ट में से कौन से चार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर 1 दिसंबर को सबसे ठंडे शहर का नाम पूछा गया है। तो हम 1 दिसंबर वाले बार चार्ट को पढ़ेंगे। अब आपने यह सोचना है कि सबसे ठंडा शहर वह होगा जिसका तापमान सबसे कम होगा, है ना? क्योंकि जैसे जैसे तापमान घटता है वैसे वैसे ठंडक बढ़ जाती है। तो जो शहर सबसे ठंडा होगा उसका तापमान सबसे कम होगा। यहाँ पर दिल्ली का तापमान 23 डिग्री है, यहाँ दर्शाया गया है। शिमला का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। बेंगलोर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, वो यहाँ दिखाया गया है। इसी प्रकार जैसलमेर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ दर्शाया गया है। तो इन चारों शहरों में सबसे कम तापमान कौन से शहर का है? सबसे कम तापमान है शिमला का। शिमला का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। और जब यह 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो यहाँ पर अधिक ठंड पड़ेगी, इसलिए शिमला सबसे ठंडा शहर है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? शिमला। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शिमला 1 दिसंबर को सबसे ठंडा शहर है। अब बच्चों आपके लिए अगला प्रश्न यह है, इसको आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है और ऊपर दिए गए बार चार्टों को पढ़कर सावधानी से सही उत्तर देना है। यह प्रश्न पहले प्रश्नों से कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसलिए आपने इसको ध्यान पूर्वक समझना है और फिर अपना उत्तर देना है। इसके उत्तर को देने के लिए आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता भी पड़ने वाली है, इसलिए आप अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए। हमारा प्रश्न है, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया? तो अब हमें दोनों बार चार्टों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में सबसे कम तापमान में परिवर्तन जिस शहर में आया है उस शहर का नाम बताना है। अगर हम पहले शहर का नाम लिखें दिल्ली, तो यहां पर मैं लिखता जाता हूं दिल्ली। दिल्ली का पहला तापमान कितना था? वह 33 डिग्री सेल्सियस था और बाद में 23 डिग्री है। तो हम इन दोनों तापमानों को आपस में माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमें इससे तापमानों का अंतर पता चल जाएगा। जब 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो जो दिल्ली है, दिल्ली में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। अब हम दूसरे शहर को देखते हैं, दूसरा शहर है शिमला। अब बच्चों इसी प्रकार आपने शिमला के तापमान का अंतर निकालना है। शिमला का पहले तापमान 1 जून को 22 डिग्री सेल्सियस था, तो हम इसको लिख लेंगे। और फिर शिमला का तापमान 1 दिसंबर को 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहा है, अब हम इसको लिख लेंगे।
जब दोनों तापमानों को घटाएंगे तो हमें इसका अंतर पता चल जाएगा और यह 12 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहा। अब हम अगला शहर देखते हैं। अगला शहर है हमारा बेंगलोर। तो बेंगलोर में देखते हैं कि तापमान में अंतर कितना रहा। बेंगलोर का तापमान 1 जून को 28 डिग्री था और 1 दिसंबर को 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहा है। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। घटाने के बाद यह 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। इसी प्रकार हमारा जो अगला शहर है वह जैसलमेर है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। अब हम जैसलमेर का अंतर निकाल लेंगे। तो जो जैसलमेर है यह हमारा अगला शहर है। यहां पर 1 जून को तापमान 38 डिग्री के बराबर रहा है और 1 दिसंबर को 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहा है। तो हम इन दोनों तापमानों को आपस में घटा लेंगे तो हमें यह अंतर पता चल जाएगा। घटाने के बाद यहां पर 13 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो अब बच्चों हमने यह हर एक शहर का तापमान का अंतर निकाल लिया है। दिल्ली का 10 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का 12 डिग्री सेल्सियस है, बेंगलोर का 4 डिग्री सेल्सियस है और जैसलमेर का 13 डिग्री सेल्सियस है। तो अब अपने प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं कि शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया। हमें निकालना है सबसे कम बदलाव। तो अब सबसे कम बदलाव कौन से में आया बच्चों? देखो, तो सबसे कम बदलाव आया है यहां पर बेंगलोर में, क्योंकि यह 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो हमारा वो शहर कौन सा होगा जिसमें 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में सबसे कम बदलाव आया है तापमान में? तो उस शहर का नाम है बेंगलोर। इसको आपने उत्तर के रूप में लिख लेना है। तो बच्चों हमने यह अभ्यास के सवाल हल कर लिए हैं। आपने यहां पर बार चार्ट के बारे में जाना है कि हम किस प्रकार बार चार्ट को पढ़कर उसमें दी हुई जानकारी को समझ सकते हैं। तो आप और भी जो आपके दाएं बाएं आपके अखबार में या किताब में कोई और बार चार्ट दिया गया है उसको सावधानी पूर्वक पढ़कर उसमें दी गई जानकारी को समझो और अपनी कॉपी पर नोट करो। यह आपका अभ्यास कार्य है।